हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दिप्रशिता शो। आज हम बात करने वाले हैं आपकी फिफ्थ मंथ प्रेगनेंसी डाइट के बारे में। अगर आपका गर्भावस्था का पाँचवा महीना चल रहा है तो इस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और आगे कुछ टिप्स की भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। तो बात करते हैं आपके पाँचवें महीने की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका चौथा, पाँचवा और छठा महीना जब चल रहा है, ये आपके प्रेगनेंसी का सबसे कंफर्टेबल और सबसे अच्छा टाइम होता है। इस टाइम पे आपको क्रेविंग्स वगैरह काफ़ी रहते हैं, आपको खाने की इच्छा काफ़ी होती है। इससे पहले के जो तीन महीने होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा महीना, आपको वॉमिटिंग, नौसिया का प्रॉब्लम होता है। बट जब आपका ये सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, आपका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मंथ, इस टाइम पर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाती हैं और आराम से आप काफ़ी चीज़ों को खा सकते हैं। और इस टाइम पे आपका जो बेबी है वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, तो आपको मैक्सिमम इस टाइम पे ध्यान रखना है अपने डाइट का। तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको अपने डाइट में शामिल करनी है। तो इस टाइम पे आप फील कर रहे होगे कि आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मतलब जब आप खाना खाते हो तो आपको लगेगा कि वो बहुत जल्दी पचता नहीं है या खाना जो है अंदर ही पड़ा रहता है। तो वो इसी वजह से होता है कि आपका डाइजेशन इस टाइम पर स्लो है। और इस टाइम पे हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन की वगैरह की प्रॉब्लम भी आप फेस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लेना है फाइबर रिच फूड। अगर कॉन्स्टिपेशन आपको लग रहा है तो फाइबर रिच फूड आपको लेना है। फाइबर रिच फूड में क्या होता है, आपका रोटी में अगर गेहूँ आप ले रहे हैं तो गेहूँ आपका आपका फाइबर रिच फूड में आ जाता है। उसके अलावा जौ हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ये सब चीज़ों को अपनी डाइट में आप ऐड कीजिए। चावल हो गया, इन सब में फाइबर भरपूर होता है। वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूँ तो पम्पकिन हो गया, इसमें भी फाइबर काफ़ी होता है। आपका पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। उसके अलावा फ्रूट्स की मैं बात करूँ तो एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये सब चीज़ें फाइबर रिच होती हैं, तो ये सब चीज़ों को ज़रूर आप अपनी डाइट में ऐड करके चलिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम आपको ना रहे। फिर इस टाइम पे ज़रूरी है आपके लिए कैल्शियम। कैल्शियम आपको मिल जाता है डेयरी प्रोडक्ट से, तो मैक्सिमम डेयरी प्रोडक्ट्स इस टाइम पे आप लीजिए। दूध जितना हो सके पीजिए, सुबह शाम पीजिए, पनीर लीजिए, दही लीजिए। कैल्शियम आपको नट्स वगैरह से मिल जाता है, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये चीज़ों को अपनी डाइट में आप ऐड कीजिए। अंडा अगर आप खाते हैं तो कैल्शियम का काफ़ी अच्छा सोर्स है, वो आप लीजिए। तो ये चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड करके चलिए। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन भी इस टाइम पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखोगे कि प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे प्रेग्नेंट वुमेंस के साथ में होता है कि डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि आप प्रोटीन जो है काफ़ी कम क्वांटिटी में ले रहे हो, और प्रोटीन इस टाइम पे डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी आपको प्रोटीन अपने डाइट में ऐड करके चलना है। अब प्रोटीन किस किस चीज़ से आपको मिल जाता है, प्रोटीन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट वगैरह हो गया, अंडा हो गया, इन सबसे आपको मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन में मतलब ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन आपको मिल जाता है सोयाबीन से, तोफू से, दालें जितनी भी हैं उन सब से प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो इन फॉर्म में भी आप प्रोटीन ले सकते हो, बट ज़रूर ये दालें जो है डेली बेसिस पे कम से कम एक बड़ा बाउल भर के आप ज़रूर अपने डाइट में ऐड कीजिए, जिससे प्रोटीन की कमी आपकी बॉडी में नहीं हो। सोयाबीन तोफू से काफ़ी अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाता है, तो इन सब चीज़ों को भी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको लेने हैं। फ्रूट्स, हर तरह के फ्रूट्स आप खा सकते हो। कुछ फ्रूट्स हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए, उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं। एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आप खा सकते हो। तो फ्रूट को अपने डाइट में ऐड कीजिए। दिन में कोशिश कीजिए कि एक बड़ा बाउल भर के आप फ्रूट्स लें। वेजिटेबल्स भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे दालें और फ्रूट को अपने डाइट में आपको ऐड करके चलना है। वैसे सब्जियां भी ज़रूर से ज़रूर आपको खानी है, हर तरीके की सब्जी आपको खानी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी होती हैं, मतलब हरी सब्जियां, बट उसके अलावा भी जितनी सब्जियां, हर एक सब्जी में अपना एक अलग न्यूट्रिशन होता है, तो हर तरीके की सब्जियां आपको डेली बेसिस पे खानी है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ों को अपनी डाइट में आप ऐड कीजिए। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर आपके लिए। एनर्जी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है इस टाइम पर आपको, तो जितने भी
स्टार्ची चीज़ें हैं उनसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। जैसे मैं बात करूँ कि पोटैटो में स्टार्च काफ़ी होता है तो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, उसके अलावा राइस हो गए, उसके अलावा आपका साबूदाना हो गया, तो ये सब चीज़ें में कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल जाता है, इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को भी अपने डाइट में आपको ऐड करके चलना है। नेक्स्ट जो और आपको ध्यान रखना है वो रखना है आपको फॉलिक एसिड भी लेना है इस टाइम पे आपको, मतलब फॉलिक एसिड हो सकता है इस टाइम पे एज ए सप्लीमेंट भी आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड कर दिया हो, बट फॉलिक एसिड अपने डाइट में भी आपको ऐड करके चलना है। वो मिल जाता है आपको काफ़ी सारी हरी सब्जियों से, तो वो आपको लेनी है, दालें आपको लेनी है, मैंने पहले भी बताया, उनसे भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा नट्स हो गए जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, उनसे आपको फॉलिक एसिड मिल जाता है। तो ये सब चीज़ों को अपने डाइट में ऐड कीजिए। जिंक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए, तो जिंक रिच फूड भी आप लीजिए। इसके ऊपर, जिंक के ऊपर पहले हमने पूरा एक वीडियो किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको जिंक मिल जाता है, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, तो उन सब के बारे में बात करी हुई है। बट यहाँ मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि जिंक आपको अपने डाइट में लेना है। पम्पकिन हो गया, मशरूम हो गए, नट्स हो गए, इन सब चीज़ों में जिंक आपको मिल जाता है। चिकन में आपको जिंक मिल जाता है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें जिंक आपको मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने डाइट में ऐड करके चलना है, जिन भी सब चीज़ों की मैंने बात करी है, जब तक आपके डॉक्टर ने आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए मना ना किया हो। बट ओवरऑल नॉर्मली बात करें तो ये सब चीज़ें आपको फिफ्थ मंथ प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है। तो प्रेगनेंसी में आपको नहीं लेनी है ऐसी चीज़ें जो डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, जैसे मैदा हो गया, बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स हो गए, इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। स्ट्रीट फूड खाने को बहुत ज़्यादा मन करता है स्पेशली गर्ल्स का, आप देखोगे कि प्रेगनेंसी से पहले गोलगप्पा, नॉल टिक्की, ये सब खाने को मन करता रहता है, और प्रेगनेंसी में भी ये सब चीज़ें खाने को मन करता है। बट अगर आपका मन कर रहा है तो घर में फ्रेश बना के खाइए, बाहर से इन चीज़ों को इस टाइम पर प्रेफर नहीं कीजिए, क्योंकि समटाइम्स आपका पेट वगैरह गड़बड़ कर सकता है, और प्रेगनेंसी में क्योंकि डाइजेशन स्लो होता है तो इस टाइम पे पेट में कुछ गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ों को खाने का मन कर रहा है कम क्वांटिटी में लेना है, और घर पे आप अपने आप फ्रेश बना के लेना है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा चीनी और बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा नमक लेने की वजह से आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, और बहुत ज़्यादा शुगर लेने की वजह से प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम समटाइम्स हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल करके चलना है। कैफीन को कंट्रोल करना है आपको। चॉकलेट वगैरह खाने को बहुत मन करता है प्रेगनेंसी में, बट चॉकलेट में कैफीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है, चाय वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम करके चलना है। मैं बिल्कुल बंद करने के लिए आपको नहीं कह रही हूँ, बट अगर चाय या कॉफ़ी इस टाइम पे आप 4-5 कप ले रहे थे तो उसको 1 से 2 कप तक सीमित कर दीजिए। चॉकलेट भी आप बहुत ज़्यादा ले रहे थे तो काफ़ी कम क्वांटिटी में उसको कर दीजिए। हमने चॉकलेट पे भी पूरा एक वीडियो किया हुआ है कि प्रेगनेंसी में कितना चॉकलेट आपको खाना चाहिए, किस तरीके का चॉकलेट आपको खाना चाहिए, आप चाहें तो वो जाके दे सकते हैं, बट कैफीन को इस टाइम पर आपको थोड़ा सा कम करके चलना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप चिकन, फिश और अंडा वगैरह सब खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी पे आपके लिए खाना। बट आपको ध्यान ये रखना है कि अंडर कुक्ड ये नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें पकी हुई होनी चाहिए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। सी फूड आप लेते हैं, फिश आप खा रहे हैं, तो जिसमें मर्करी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जिसमें मर्करी कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाहर के जितने भी पैक्ड जूसेस और प्रोसेस्ड फूड होता है, इन सबको नहीं लेना है आपको इस टाइम पे। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अनपास्चराइज मिल्क या सॉफ्ट चीज़ वगैरह आप अब तक ले रहे थे तो इस टाइम पे वो भी आपको नहीं लेना है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको अवॉइड करके चलनी है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मैं यहाँ पे बात करूँगी। फ्रूट्स में हम सबको पता है कि पपीता खाना पना होता है, हालांकि अभी तक कभी प्रूफ नहीं हुआ है कि पपाया खाने से कभी किसी का मिसकैरेज हुआ है, बट फिर भी मैं यहाँ यही कहूँगी कि जैसे हम सुनते आए हैं या ऐसा कोई चीज़ें हैं जिनसे ऐसा लग सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें न्यूट्रिशन दे सकती हैं, तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करने में कोई बुराई नहीं है। तो पपीता हो गया, अनार हो गया, इस टाइम पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए उसको भी। और उसके अलावा एग प्लांट हो गया, जैसे कि बैंगन हो गया, वो भी इस टाइम पे आपको काफ़ी कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, तो इनका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है।
फ्रूट में पपीता की और अनार की हमने बात कर ली। पाइनएप्पल भी एक ऐसा फ्रूट है जिसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करके प्रेगनेंसी टाइम पे चलना चाहिए। तो ये दो तीन फ्रूट्स हैं जो आपको इस टाइम पे नहीं खाने चाहिए। बाकी बहुत सारे फ्रूट्स की वैरायटी है जिससे आपको काफ़ी सारे न्यूट्रिशन मिल जाता है, उन सबको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ये कुछ चीज़ों को अवॉइड करके चलिए जिनके बारे में हमने बात करी है, आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रहेगी। थोड़े से टिप्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ना प्रेगनेंसी में हम डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे होते हैं, सब कुछ ठीक जा रहा होता है, बट फिर भी ना बॉडी कई बार लगता है कि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है खाना, या ठीक से खाना खा नहीं पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है तो वॉमिट का फील हो रहा है। तो उसमें कुछ चीज़ों का हम ध्यान रख लेते हैं तो आपको खाना ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाएगा, आप अच्छे से खाना खा भी पाएंगे और पूरा न्यूट्रिशन भी आपको मिल पाएगा। तो आपको करना ये है कि प्रेगनेंसी टाइम पर हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपको जितना मन कर रहा है उतना खाना खाइए। पहली बात तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अभी आपको दो लोग का खाना खाना है तो ऐसा खाना बिल्कुल भी, मतलब ऐसा करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको जितना खाना खाने का मन है उतना खाना खाइए, या फिर मैं कहूँगी कि जितना खाना आप प्रेगनेंसी से पहले खा रहे थे उसे थोड़ा सा ज़्यादा खाना आप खाएंगे तो सफिशियंट है आपकी बॉडी के लिए। अगली चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि एक साथ बहुत ज़्यादा खाना आपको नहीं खाना है, मतलब ओवर ईटिंग आपको नहीं करनी है, या बहुत ज़्यादा पेट भी नहीं आपको भर लेना है, वो भी आपके डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। आप छोटे छोटे इंटरवल्स पे खाइए, मतलब हर 2 से 3 घंटे में खाइए, बट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाइए, जिससे थोड़े थोड़े इंटरवल्स में खाना आपको डाइजेस्ट होता जाएगा और आराम से आप फिर से खाना खा पाएंगे। बहुत ज़्यादा खाना एक बार में खा लेंगे तो वो फिर पूरा दिन आपको लगता रहेगा कि आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको पेट भरा हुआ सा लग रहा है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब भी आप कुछ खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप थोड़ा सा स्नैक ले रहे हैं, एक लाइट वॉक उसके बाद ले लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे खाना डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप वॉक कर लेंगे तो इजीली आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। कभी भी खाना खाने के बाद एकदम से लेट नहीं जाइए, प्रेगनेंसी में हमारा रेस्ट करने को बहुत मन करता है, बट जब भी आपको आपने खाना खाया है एक अपने रूम में या थोड़ा सा घर में या घर के बाहर जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है, बहुत आराम आराम से बहुत हल्के पैरों से 5-10 मिनट का वॉक ज़रूर कर लीजिए, उससे खाना डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प मिलेगा। पानी इस टाइम पे बराबर आपको पीते रहना है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वाटर थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे आप लेते रहें। अगर पानी पीने को मन नहीं कर रहा है तो लिक्विड्स आपको लेते रहना है, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, जब मन करे तब रेस्ट करते रहिए, जो भी चीज़ें खाने का मन करे खाते रहिए। फ्राइड वगैरह खाने का मन कर रहा है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में खा लीजिए, हेल्दी फूड खा रहे हैं तो जितना खाने को मन कर रहा है उतना खाइए, अपनी प्रेगनेंसी का ये टाइम एंजॉय कीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।